प्रभु यीशु मसीह के मधुना में आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के जवानों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है हम बात कर रहे हैं जवानों के लिए जी हाँ परमेश्वर जवानों से बातचीत करना चाहता है और इसलिए इस श्रृंखला के माध्यम से परमेश्वर आप जवानों से बातचीत करना चाहता है आज ख़ास तौर से जवानों की जवानी के लिए वो बातचीत करता है और जवानों को कैसा होना चाहिए उनको एक किस तरीके का जीवन जीना चाहिए ये सब परमेश्वर बता रहा है और इन विषयों के इन इन विषयों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और बहुत सी बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे परंतु आज जो परमेश्वर चर्चा करना चाह रहा है एक बहुत बड़ी बात है जो जवानों के लिए कहना चाहता है आप चाहेंगे मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तो मे हो चाराध्याय और उसका बारवां पद यहाँ पर लिखा हुआ है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन परमेश्वर एक बात बताना चाहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने पाए। आज यदि हम खास से की जवानी को देखें उनकी जिंदगियों को देखें तो बहुत से जवानों की जो जवानी है जो जिंदगी है उनको तुच्छ समझा जा रहा है कारण क्या है कारण यही है कि जवान जो है परमेश्वर की ओर आकर्षित नहीं है वह परमेश्वर की बातों में नहीं है वह परमेश्वर की चाहत में नहीं है वह परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता वह परमेश्वर के विश्वास को नहीं जानता वो किसी बात को नहीं जानता है। मगर इसलिए परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बताता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए और सबसे बड़ी बात क्या कहता है वह एक बात कह रहा है वचन चाल चलन प्रेम विश्वास और पवित्रता में किसके लिए आदर्श बन जा विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा काम एक बहुत बड़ी बात करने के लिए परमेश्वर कह रहा है एक महान काम करने के लिए कह रहा है और सिर्फ जवानी से क्यों कह रहा है क्योंकि जवान मेरे जवान भाइयों बहनों आप ऐसा कर सकते हैं आप किसी के भी आइडल बन सकते हैं आप किसी के भी आदर्श हो सकते हैं जी आप यदि आप क्रिकेट की दुनिया में जाएंगे एक से एक जवान क्रिकेटर वहां पर पड़ा है आपका आदर्श एक जवान जो क्रिकेटर है सचिन आपका आइडल हो सकता है एक आदर्श हो सकता है आपका युवराज आपका आदर्श हो सकता है धोनी आपका आदर्श हो सकता है बहुत से फिल्मी स्टार जो जवान हैं वह आपके आदर्श हो सकते हैं आप उनकी एक्टिंग से प्रभावित हो सकते हैं उनकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं आप खिलाड़ियों के खेल से प्रभावित हो सकते हैं परंतु आपके जीवन से कौन प्रभावित है आप अपने जीवन से किसको प्रभावित कर रहे हैं क्या आप किसी को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं आप तो प्रभावित हो रहे हैं परंतु तो आपका जीवन जो है वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है किसी को क्यों जैसे वो वो भी इंसान है वो इंसान वह अपने खेल के द्वारा अपने माध्यम अपने ए, एक्टिंग के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं आपको प्रभावित कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर सकते प्रभावित जी हां आप भी प्रभावित कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको यदि प्रभावित करना है तो आप विश्वासियों को प्रभावित करें और इसलिए वो कहता है कि हे जवान कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए इसलिए तू विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा एक आदर्श कोई देखे और ये जवान प्रभु में है सच में वो प्रभावित होता जब एक जवान खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करता है तो बहुत से लोग प्रभावित होते हैं उसके जवानी को देखकर उसके जीवन को देखकर कि यह जवान फिर वो अपने बच्चों से कहते हैं इस जवान को देखो क्या यह संसार में नहीं रहता क्या यह अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर सकता है क्या इसकी इच्छाएं और तमन्नाएं नहीं है यह इतनी छोटी सी उम्र में अपने परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई कर रहा है यह अपने जीवन को किस तरीके से बचा रहे बचाए हुए हैं किस तरीके से परमेश्वर में अपने जीवन को चला रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप एक आदर्श बन जाते हैं आप एक आइडल बन जाते हैं और परमेश्वर का यह वचन बताता है कि जब आप आदर्श बन जाते हैं तो बहुत सी आत्माओं को आप जीत सकते हैं बहुत सी आत्माओं को आप जीत सकते हैं परमेश्वर का वचन यह बताता है मैं बताता हूं सबसे पहले वो कहता है कि उसके वचन के लिए आदर्श बन जा वचन परमेश्वर का वचन जो है यहां पर लिखा हुआ है ना वचन सबसे पहले मैं वचन की बात करूंगा आज हमारे जवान भाई बहन जो हैं वो परमेश्वर के वचन से अनभिक है वो परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं वो पर... परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं जी हाँ यदि आप परमेश्वर के वचन में वचन को समझेंगे और जब वचन की बात आप विश्वासियों के सामने करेंगे और परमेश्वर की आत्मा में भर के जब आप उस वचन को एक्सप्लेन करेंगे उस वचन को बताएंगे लोगों को तो वो वचन कार्य करेगा लोगों के जीवन में और लोग कहेंगे हाँ मैंने उस जवान भाई से ऐसा वचन सुना था मैंने वो जवान बहन से परमेश्वर का वचन सुना जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है और आपके पास जब जवानी होती है तो जवान की जवानी के साथ एक जोश होता है और जब जोश होता है तो उमंग होती है उमंग होती है तो बहुत कुछ होता है और यही जोश दूसरे भाई बहनों को बचा सकता है दूसरों की जिंदगी को बचा सकता है परंतु यह ये वचन का जोश जवानी के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करता है तो बहुत कुछ होता है मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है यौना की इंचील उसका आठ अध्याय उसके इकतीस पद में एक चीज समझा देना चाहता हूँ तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे आपको यदि वचन में प्रचार करना है वचन के लिए आपको आदर्श बनना है तो आप सबसे पहले परमेश्वर के वचन में बने रहें जी हाँ जब तक हम और आप परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते हैं हम कभी भी परमेश्वर के वचन को ना तो समझ सकते हैं और ना समझाने की कोशिश कर सकते हैं जी हाँ आप परमेश्वर के वचन को समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले वचन में बने जो भी वचन परमेश्वर कहता है जो भी नियम परमेश्वर ने ठहराए जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई हैं जो भी हुक्म परमेश्वर देता है जो कुछ भी इच्छा परमेश्वर की है उसको पूरा करें मगर कैसे करें वचन में ढूंढे परमेश्वर क्या कहता है आप वचन को पढ़ना शुरू करिए परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना शुरू करिए और देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है परमेश्वर की चाहत क्या है जब वचन में ढूंढ ढूंढ के आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तब परमेश्वर के वचन में आप बने रहेंगे और आप सही माने में प्रभु येशु मसीह के चेले ठहरेंगे और जब प्रभु येशु मसीह के चेले बन गए तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से अपने उस चेले का अभिषेक उस वचन को सुनाने के लिए करता है कि जो वचन वो सुनाएगा वो जीवन को प्रभावित करेगा और उनके हृदय छिद जाएंगे जी हाँ जब पैंतीकॉस के दिन पवित्र आत्मा उतरा और पत्रस से जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करने लगा तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लोगों के हृदय छिद गए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को लेकर खड़े हो ताकि लोगों के हृदय छिद जाए और लोग जो हैं परमेश्वर को उसी समय तुरंत स्वीकार कर ले मानने लगे अपनी बुराई को छोड़ने लगे जोश होता है पतरस की तरह आप भी जोश में होकर खड़े होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के उस वचन को शेयर करें और परमेश्वर के वचन के में बने रहें ताकि आप विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियो तीन अध्याय उसके अट्ठारहवें पद में यहाँ लिखा हुआ है चाल चलन के विषय में लिखा हुआ है अगर इंसान के जीवन में चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है चाल चलन का होना यदि हमारा चाल चलन ठीक है तो हम परमेश्वर के से साथ चल सकते हैं और यदि हमारा चाल चलन ठीक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वासियों के लिए अपने चाल चलन में एक आदर्श बन जा ताकि कोई भी विश्वासी जब आपके चाल चलन को देखे कहेगा नहीं ये चाल चलन अच्छा है इसका अगर किसी के घर में जवान बहने भी होंगी कोई आपको अपने घर में आने से रोकेगा नहीं कोई आपको अपनी जवान बेटी और बेटियों से और बहनों से बात करने के लिए रोकेगा नहीं क्यों क्योंकि आपका चाल चलन अच्छा है आपका चालचलन शुद्ध और पवित्र है आपका चाल चलन प्रभु में है इसलिए कोई भी आपके ऊपर किसी भी किस्म का शक नहीं करेगा परंतु यदि आपका चाल चलन बिगड़ा होगा तो कोई आपको अपने घर में घुसने नहीं देगा कितना भी आप वचन को प्रचार कर रहे हो कितना भी आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो कितना भी आप परमेश्वर के लिए गा रहे हो कितना भी आप परमेश्वर के लिए संगीत बचा रहे हो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो परंतु यदि आपका चाल चलन सही है तब भी लोग आपको इग्नोर करेंगे इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो तीन और उसके अट्ठारहवें पद में क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूज के बैरी हैं जी हां हम अपनी चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूज के बैरी हैं यदि हमारा चाल चलन गंदा है हमारा चाल चलन निकम्मा है हमारे चाल चलन के अंदर पवित्रता नहीं है तो हम मसीह के क्रूस के बैरी हैं कैसे बैरी हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बताता है कि इसी चाल चलन को शुद्ध करने के लिए हमारे चालचलन को पवित्र करने के लिए हमारी चालचलन को आ, आ, पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया वो क्रूस पे चढ़ गया और लोगों ने उसको लान करा उसको जलील किया उसको थूका गया उसको मारा गया उसको पीटा गया उसको गाड़ा गया सब कुछ हमारे लिए किया गया और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो इसलिए जी उठा उसने इतने दुख इसलिए सहे हैं ताकि हमारा चाल चलन शुद्ध हो सके और हम उस क्रूज की कथा को पवित्र कर सकें और उस क्रूज की कथा को अपने जीवन में बनाए रखें परंतु इसके बावजूद भी यदि हमारा चाल चलन नहीं सही है तो सच में हम मसीह के नहीं हैं और मसीह के क्रूज के बैरी हैं क्रूज के बैरी का मतलब क्या है जो क्रूज की दास्तान है जो क्रूज की कथा है वो हमने व्यर्थ ठहरा दी हमने अपने चाल चलन के द्वारा ये साबित कर दिया कि मसीह तो हमारे लिए मरा ही नहीं अगर मरा होता तो हमारा चाल चलन सुधरा होता मेरे प्यारे भाइयों बहनों मसीह तो मरा परंतु हम इतने हटीले हो गए कि हमने अपने चाल चलन को सुधारने की कोशिश नहीं करी है पोलुस एक बहुत बड़ी बात कहता है पहला आ, कुरंतियों और उसका ग्यारहवा अध्याय और उसका पहले पद में लिखा हुआ है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ जी हाँ पोलुस एक बात कहता है कि तुम मेरी सी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ पोलुस मसीह की चाल चलता था अब आप कहोगे मसीह की चाल कैसे चली जाती है आपने अगर पढ़ा होगा परमेश्वर के वचन को आप देखेंगे अध्याय उसके पांच पद में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए जी हाँ प्रभु येशु मसीह का स्वभाव बच्छलन नहीं था बल्कि पवित्र था इसलिए हमारा भी स्वभाव हमारा भी चाल चलन बच्चलन नहीं होना चाहिए बल्कि पवित्र होना चाहिए और ये सारी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए यदि यह पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो समझ लीजिए कि हम प्रभु के नहीं हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं रोमियो दो अध्याय और उस सॉरी रोमियो बारह अध्याय और उसके दो पद में लिखा हुआ है यहाँ पर इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो जी हाँ प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए ताकि हमारा चाल चलन बदलता जाए और जब हम अपने चाल चलन को बदलते हैं परमेश्वर का वचन यह बताता है कि हम अपने अनुभव के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको पूरा कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा और यदि हम अपने अनुभव के द्वारा नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर यह बता रहा है कि आप अपने चाल चलन में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बने हमें आदर्श बनने के लिए कहता है और जब हम आदर्श बनेंगे तो सब खुश होंगे सब देखते हैं जवान भाई बहनों को सच में वो देखते हैं आज के जवान भाई बहनों को जब प्रभु में देखते हैं तो वो अचंबा करते हैं कि आज का जवान आज का नौजवान जो इक्कीसवीं सदी में जी रहा है वो परमेश्वर को मानता भी नहीं है और परमेश्वर से दूर भागता है परंतु ये जवान बहन ये जवान भाई जो है परमेश्वर के इतना नज़दीक है उनको खुशी होती है वह आनंदित होते हैं और वह अपने बच्चों को भी वैसे ही ढालने की कोशिश करते हैं किसके द्वारा सिर्फ आपके द्वारा आपके चाल चलन के, के, के आदर्श बन जाने के द्वारा आपके द्वारा कि आप परमेश्वर में हैं इसलिए परमेश्वर आप से ये विनय करता है परमेश्वर आपसे ये परमेश्वर की ये इच्छा है और ये चाहता है कि आप ऐसा करें और दूसरी चीज वो कहता है कि प्रेम में मैं परमेश्वर का वचन में जाऊंगा परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरंतियों और उसका चौदमा अध्याय और उसका पहले पद में लिखा हुआ है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम का अनुकरण करो जी हाँ प्रेम तीन प्रकार का होता है आज मैं आपको प्रेम के बारे में बताऊंगा एक प्रेम वो जो स्वर्ग से नीचे की ओर आता है अर्थात परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए दूसरा प्रेम इस पृथ्वी से मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है अर्थात हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए और एक प्रेम वो जो संसार की ओर बढ़ता है अर्थात हमारा प्रेम जो संसार की चीजों के लिए संसार के अभिलाषाओं के लिए संसार के लोगों के लिए उत्पन्न होता है ये तीन प्रकार का प्रेम है परंतु हाँ, परमेश्वर कहता है कि तू प्रेम में आदर्श बन आदर्श बनने का मतलब क्या है सिर्फ जवान भाई जो हैं जवान बहनों को ही प्रेम ना करें या जवान बहनें जवान भाइयों को ही प्रेम ना करें बल्कि बच्चों को बूढ़ों को और जितने भी लोग हैं सबसे प्रेम करें और जब प्रेम करेंगे अपने यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो जी हाँ जब हम अपने शत्रुओं से अपने दुश्मनों से अपने चलने वालों से अपने सताने वालों से प्रेम करते हैं ये ही सबसे बड़ा आदर्श है जब हम ऐसा करते हैं तो सही में हम एक आदर्श बन जाते हैं हम लोगों के लिए एक आइडियल बन जाते हैं और सही में जब हम लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर का वचन कहता है आप, आप पहला क्रांति जब तेरह अध्याय पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है यदि तू सब कुछ कर सके आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं सर दूतों की बोलियां भी बोल सकते हैं आप बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हैं बहुत से चमत्कार कर सकते हैं बहुत से आश्चर्य कर्म कर सकते हैं मगर परमेश्वर का वचन रहा है यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत चंगाई करते हैं बड़ी बड़ी चंगाई करते हैं आंधों की आंखें खुल रही हैं लंगड़े चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है परंतु यदि उनके जीवन में प्रेम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है लिखा है प्रेम क्यों होना चाहिए क्यों चाहता है परमेश्वर प्रेम इंसान के जीवन में जो परमेश्वर का प्रेम है वो होना चाहिए संसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है यहां पर या गलत प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर यहां पर मैं परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और वो प्रेम पवित्र होना चाहिए जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो प्रेम पवित्र होगा और वो प्रेम जो है संसार में जब आप रहेंगे लोगों से भी पवित्र प्रेम करेंगे गलत प्रेम नहीं करेंगे और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कुछ भी करें परंतु यदि प्रेम नहीं रखते हैं तो आप बेकार हैं परमेश्वर के नहीं आप और यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है एफिसियों पांच अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए ए, दे दिया परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया जी हाँ हम वैसे ही प्रेम करें मसीह ने हमसे प्रेम करा क्यों करा क्योंकि हम वह हम उसके हाथों की रचना है हम उसके लोग हैं उसने हमें बनाया मसीह ने हमसे प्रेम किया है ऐसे ही हम भी दूसरों से प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया मसीह के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था निस्वार्थ प्रेम उसने हमसे करा है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर यहां पर यह बताना चाहता है कि हम भी लोगों से निस्वार्थ प्रेम करें हमारे प्रेम के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए और यदि किसी प्रकार का स्वार्थ है तो फिर तो हमारा प्रेम विकार है हम प्रेम ना करें तो अच्छा है क्योंकि हम के हो ही नहीं सकते हैं यहां पर मैं एक पद और पढ़ाना चाहूंगा पहला तिमिथियो उसका छः अध्याय और उसके बारहवें पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है पहला तिमिथियो उसका छः अध्याय उसके बारहवें पद में यहां लिखा है विश्वास के लिए कि विश्वास में तू आदर्श बनता चला जा जी हाँ हमने देखा वचन के लिए चाल चलन के लिए प्रेम के लिए अब विश्वास की बात आती है परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास में आदर्श बनता जा और क्या कहता है मेरे साथ पढ़िए जरा अध्याय और उसके बार में पद में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है जी हां परमेश्वर का वचन यह बताता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ आपसे लड़ने के लिए कह रहा है विश्वास की कुश्ती में कभी कदार बहुत डामाडोल होता है मैं विश्वास के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा मुझे जब भी मैं विश्वास की बात करता हूँ तो मुझे पतरस का एक वाक्य याद आता है और वो पतरस का जो वाक्य है वो क्या याद आता है पतरस जिस समय नाव में है प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ उसके पास पहुंचा जब उसने झील पे चलते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा तो पहले तो वो डर गए और कह भूत भूत करके चिल्लाने लगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो नहीं मैं हूं पतरस जो था बहुत तेज व्यक्ति था वो कहने लगा प्रभु यदि तू है तो मुझसे कहे तो मैं भी तेरे समान पानी पे चल के आऊंगा ठीक है पतरस मैं कहता हूं कि तू आ जा। क्योंकि ये जानता था कि मैं समझता हूं पतरस के जीवन में संदेह था और इसलिए पतरस ने यह बात कही और उसने कहा कि यदि यह प्रभु होगा तो मुझे जब आज्ञा देगा तो मैं जैसे ही पानी पे चलूंगा खड़ा होऊंगा तो मैं चलने लगूंगा मैं पानी में डूबूंगा नहीं आप जानते हैं, मैं समझता हूं कि पतरस से बहुत आसानी से पानी पे नहीं कूदा होगा ये आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जी हाँ पतरस ने कस के नाव पकड़ी होगी पहले उसने एक पैर को उतारा होगा एक पैर को पानी में रखा होगा जब उसने देखा कि हाँ ये ठोस जगह है तो वो थोड़ा सा उस पर खड़ा हुआ होगा जोर डाल के फिर उसने दूसरा पैर निकाला होगा मगर नाव को नहीं छोड़ा होगा उसके बाद उसने धीरे से नाव को छोड़ा होगा उसके बाद जब उसने देखा हाँ मैं तो पानी पे खड़ा हूं तो वो खुश हो गया होगा फिर वो चलने लगा जब वो चलने लगा तो हवा को जो तेजी से बह रही थी उसको देखकर वो डर गया और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो डूबने लगा और जब डूबने लगा तो वो चिल्लाने लगा हे hey, प्रभु मुझे बचाइए हे hey, प्रभु मुझे बचाइए प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और उससे एक शब्द कहा हे hey, अल्पविश्वासी तूने संधे क्यों किया जी हां मेरे प्यारे भाई बहनों यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बहुत अच्छी बात है और यह विश्वास होना भी चाहिए परंतु मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं आपके विश्वास में यदि संदेह है तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पे विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी नहीं है और आप किसी भी विश्वासी के लिए अपने विश्वास के द्वारा आदर्श नहीं बन सकते हैं इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारे विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शब्द इस्तेमाल करा है अल्पविश्वासी अल्पविश्वासी का मतलब क्या होता है ना तो वो विश्वासी है और ना वो अविश्वासी है यह कहने का मतलब है जैसे प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय और उसके चौदह और पंद्रह में पद में लिखा हुआ है ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं जी हाँ यदि आपका विश्वास ऐसा है आप अल्पविश्वासी हैं अल्पविश्वासी का मतलब या आप विश्वास तो कर रहे हैं प्रभु में परंतु आपके विश्वास में संदेह है यदि आपके विश्वास में संदेह है तो आप आदर्श कभी भी किसी के लिए नहीं बन सकते हैं आप किसी के लिए अपने विश्वास के द्वारा आइडियल नहीं बन सकते हैं और प्रभु आपको अपने चित्र से अपने मन से उगलने पर है इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए और इसलिए तू प्रेम में सारे चाल चलन में विश्वास में एक आदर्श बन जा विश्वासियों के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम कराना चाहता है इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे आइए प्रार्थना करेंगे हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हवा एक बार फिर से हम तेरे अनुग्रह के सियासन के पास आते हैं ओ प्यारे प्रभु जी हम तेरे इन जवान बेटे बेटियों को तेरे अनुग्रह के सियासन के पास लाते हैं जिन्होंने आज तेरे संदेश को सुना है प्यारे प्रभु जो तेरे वचन को मान रहे हैं प्यारे प्रभु जी चाहते हैं प्यारे प्रभु अपने आत्मा का अभिषेक इन पर उंडेल अपनी करुणा अपनी दया इन पर उंडेल प्यारे प्रभु जी ताकि पिता परमेश्वर कोई इनकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए कोई इनकी जवानी को बेकार ना समझने पाए प्यारे प्रभु जी ये प्रेम में ये तेरे वचन में प्यारे प्रभु जी तेरे प्रेम में प्यारे प्रभु जी तेरे विश्वास में प्यारे प्रभु जी और सारे चाल चलन में दूसरे एक लोगों के लिए और सारे विश्वासियों के लिए एक आदर्श बने प्यारे प्रभु ताकि पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं इनके लिए जीती जा सके बहुत सी आत्माएं इनके लिए बचाई जा सके प्यारे प्रभु इनके द्वारा बचाई जा सके और प्यारे प्रभु ये जवान जो हैं दूसरों के लिए आदर्श बने अब बहुत से लोग इनके लिए आदर्श हो सकते हैं परंतु ये बहुत से लोगों के लिए आदर्श बन सके आइडियल बन सके प्यारे प्रभु लोग इनका उदाहरण देकर तेरे नाम की महिमा कर पाए प्यारे प्रभु इन सारे नौजवानों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सारे नौजवानों को अपने पवित्र हाथों में लिया हमारी प्रार्थना को सुना ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन और आमीन